तो नमस्कार। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है एक शब्द जो जीवन को बहुत परेशान कर सकता है अगर ठीक से इसके ऊपर काम ना किया जाए तो। और इस शब्द का नाम है फेल, FAIL, फेल। हिंदी में कहें तो असफलता। मित्रों, मेरा मानना है जीवन में कोई फेल नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट में नाकामयाबी मिल सकती है, बट इससे ये निर्धारित नहीं होता कि ये व्यक्ति जीवन में फेल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट अवेटेड हैं, तो पेरेंट्स के अलग अलग एक्सप्रेशन चल रहे होंगे। आज प्रश्न ये नहीं है कि आपका बच्चा पास होगा या फेल होगा। आज प्रश्न ये होता है घर में कि परसेंटेज कितने लाओगे। परसेंटेज से बच्चे की इंटेलिजेंस को हम निर्धारित करते हैं, उसके पोटेंशियल को हम निर्धारित करते हैं। बट इतिहास उठा के आप देख लीजिए, आप पाएंगे परसेंटेज से किसी व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसेंटेज ना लाएं। इसका मतलब केवल ये है कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आपकी मेमोरी अच्छी है, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, आप चीज़ों को रिकॉल अच्छा कर सकते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे, जिसने दुनिया को इतने सारे आविष्कार दिए। थॉमस एडिसन की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी। इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे, उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी एक किसी विचार पर फोकस करके जीवन में इतना महान काम किया कि दुनिया को बहुत कुछ दे के चले गए। सबसे पहले मेरा पेरेंट्स से तो ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेस में ना डालें और खुद को भी स्ट्रेस में ना डालें। आप एक नया एक्सपेरिमेंट करें। अभी मैंने कहीं सुना था मध्य प्रदेश में एक बच्चा फेल हो गया तो उसके पेरेंट ने बहुत बड़ी पार्टी दी। मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी पार्टी दें, बट मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा आपसे कि अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स ले आता है या किसी कारण से रुक जाता है, तो आप उसको किसी गिल्ट में ना डालें, क्योंकि गिल्ट बच्चे की जान ले सकता है। आप उसको थोड़ा सपोर्ट दें, आप उसको इमोशनल सहारा दें और आप उसको कहें ये कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी इससे कहीं बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट एक पेरेंट अपने बच्चों को पता है किस चीज़ से दे सकता है? वो है मोटिवेशन दे के, वो है प्रोत्साहन दे के, वो है उसको पुश करके, और वो है ये कह के कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे हो। यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अंडर द प्लैनेट। ये शब्द अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे तो सब्जेक्ट की फेलियर उसको परेशान नहीं करेगी, आपका कहा हुआ वाक्य उसको ज़्यादा परेशान कर सकता है और आपका एक पॉजिटिव वाक्य उसके जीवन को बना सकता है। मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आने वाला होता था, मेरे पिताजी केवल यही कहते थे, बेटे फेल करोगे या पास। अगर फेल करोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बिजनेस है संभाल लेना, और पास करोगे तो जब तक पढ़ना है तुम पढ़ते रहना। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आएंगे। मेरे पिता ने सारी ज़िंदगी मुझे दो चीज़ सिखाई कि बेटे जीवन में फेल हो या पास हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट तुम दो चीज़ ज़रूर सीखना। एक है हुनर, या तो हाथ का हुनर या बात का हुनर या लिखने का हुनर। मुझे खुशी है कि मैंने बात का हुनर सीखा तो मैं स्पीकर हूँ, मैंने लिखने का हुनर सीखा तो मैं राइटर हूँ।